हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर एसपी और एएसआई और 5 अन्य के खिलाफ परिवाद दर्ज। बाड़मेर देश भर में नेताओं एवं अधिकारियों के खिलाफ मामले सामने आते रहे हैं और इन मामलों में आम जनता को भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर जिले से सामने आया है, जिसमें बाड़मेर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बाड़मेर एसपी मनीष अग्रवाल, एएसआई पन्नाराम, कांस्टेबल प्रेमाराम, कांस्टेबल भूपत सिंह, कांस्टेबल महेश और 2 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपहरण करने का आरोप लगाते हुए शहर के कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी बाड़मेर पुलिस की कार्यशैली पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन उच्चाधिकारियों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसका खामियाजा एक बार फिर एक पत्रकार को भुगतना पड़ा और पुलिस कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक के इशारे पर एक प्रतिष्ठित पत्रकार को सार्वजनिक स्थान से धक्का मुक्की कर अपहरण कर लिया। इससे पूर्व भी बाड़मेर एसपी मनीष अग्रवाल ने पटना से व्हाट्सएप पर मिले एक वारंट के आधार पर बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार कर पटना भेज दिया था। वहीं बाड़मेर के पप्पू ब्रिजवाल को भी बाड़मेर पुलिस ने निशाना बनाया था। इन सभी मामलों को लेकर पत्रकार पर रोष है और मामलों में उच्च स्तरीय जांच कर निलंबन की मांग है। उन्होंने बताया कि मैंने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के संबंध में पेपर लीक होने की एक खबर चलाई थी, जिसके चलते बाड़मेर पुलिस ने मुझे इस तरह अगवा किया और सोर्स बताने पर दबाव भी डाला और मोबाइल लूटने का भी कृत्य किया। उन्होंने कहा कि पुलिस और बाड़मेर प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी और नकल गिरोह का कोई सोर्स न मिलने पर अनुशासनहीनता पूर्वक कार्यवाही को अंजाम दिया। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।